वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पेश करने जा रहा हूँ एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है सिफोडोक्सिम या सिफोडोक्सिम प्रोगजिटिल टैबलेट। तो दोस्तों, यह एक थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। यह टैबलेट आपको 50 mg, 100 mg और 200 mg के कंपोजिशन में उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में, जिनमें आपको गुड सेफ टैबलेट, मोनोसेफ ओ टैबलेट, सिफोप्रोक्स टैबलेट, डोक्सो सेफ टैबलेट, स्विच टैबलेट और अपने जेनेरिक नेम सिफोडोक्सिम के नाम से किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के रेट के बारे में। तो दोस्तों, यह टैबलेट आपको 12 रुपये से लगाकर 20 रुपये प्रति टैबलेट या 120 रुपये से लगाकर 200 रुपये प्रति 10 टैबलेट के हिसाब से किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के यूज के बारे में। इस टैबलेट का प्रयोग टाइफाइड बुखार हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन हो जिसके कारण बार बार पेशाब होता हो, पेशाब में जलन होता हो या पेशाब करते समय दर्द होता हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें इस टैबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। गले में इन्फेक्शन हो और टोन्सिल बढ़ गया हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। न्यूमोनिया की समस्या हो या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। श्वास नली में संक्रमण हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। साइनोसाइटिस की समस्या हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो उसमें इस टैबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। कान में इन्फेक्शन हो या कान से पस निकलता हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। इस टैबलेट को आपको, जो कि 200 mg का टैबलेट है, सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दिया जाता है। इस टैबलेट को आपको मैक्सिमम डोज 800 mg तक होता है, जिसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने इस टैबलेट का सेवन किए हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, जिनमें आपको उल्टी या मतली होने लगता है, सिर में दर्द हो सकता है, शरीर पर लाल चकत्ते निकल सकते हैं, कब्ज की समस्या हो सकती है, मुंह में छाला हो सकता है, मुंह सूखने लगता है, घबराहट हो सकती है, थकान महसूस होने लगता है, चक्कर आ सकता है, इत्यादि की समस्याएं दिखाई दे तो इस टैबलेट का सेवन करना बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इस टैबलेट का प्रयोग कौन कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति लंबे समय से एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का सेवन कर रहा हो
तो दोस्तों व्यक्ति इस टैबलेट का सेवन ना करे। दोस्तों दवा का एलर्जी होता हो उस व्यक्ति को यह टैबलेट ना दें। लीवर रोगी हो उसमें इस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। आंतों में सूजन हो उस व्यक्ति को यह टैबलेट ना दें। गुर्दे की बीमारी हो उसे इस टैबलेट का सेवन ना करने दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।